एक्चुअली मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे अभी बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था, ठीक है, क्योंकि अभी वायरिंग की वजह से थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था, बहुत ही अर्जेंट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नया नहीं ला पा रहा था। आप ये देख सकते हैं जो वायर है, इस वीडियो में मैं कुछ आप लोग को ज़रूर सिखाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होता है वो प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मेरा तो चैनल नया है, बहुत सारे लोग नया चैनल देख के वीडियो को, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है वो प्रैक्टिकल ही मिलने वाली है। और जैसे ज़्यादा व्यू होने से ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका वीडियो परफेक्ट ही है, क्योंकि ये जो रनिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज और आपका वर्किंग स्टाइल क्या तरीका है वो काम में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें काम में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि व्यू ज़्यादा है तो आप यहाँ पे आके ऐसा ऐसा कर लेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करके भी आते हैं और उनको ये बातें समझ में नहीं आती है, बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है। तो मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि कौन सा वायर कहाँ यूज होता है, कितने एमएम का यूज करें, तो मैं डियर फ्रेंड मैं आप लोग एक बात बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जैसे लाइटिंग की लुकिंग में 1.5 यूज होता है वायर। वैसे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस घर वाला जैसे बिल्डिंग वाला कितने एमएम का यूज करवाता है, जैसे लाइटिंग के लिए 1.5 और यहाँ पे जो फिलहाल में यूज हो रहा है एसी के लिए 4 mm और गीजर के लिए 2.5। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी वायर यूज हो रहा है, ठीक है। और मैं इसमें एक और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना स्टेयर केस। मैं डियर फ्रेंड, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती है ना, जो हाई क्वालिटी की जो बिल्डिंगें होती हैं, मतलब महंगी महंगी फ्लैट्स जो बन रही हैं, तो यहाँ पे स्टेयर केस में 2A यूज होता ही नहीं है। बहुत पहले यूज होता था, बट आजकल मैं बहुत सारी साइडों पर मैं वर्क करा रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ कहीं पर यूज होता हुआ। वो कॉमन कंट्रोल है, एक ही जगह से पूरा स्टेयर का पूरा कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पे बेडरूम में 2A यूज हो रहा है, बेडरूम में। वो कैसे, जैसे आप ये, मैं आप लोग इधर से दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये हो गया डोर, फ्लैट्स का डोर, और इसके लेफ्ट साइड में जो ये बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है, ये है डाइनिंग हॉल का स्विच बोर्ड, ये रूम का स्विच बोर्ड, रूम का अंदर में है, ये बाहर वाला डाइनिंग हॉल का है। जैसे मैं रूम में इंटर किया, तो रूम में इंटर करते ही ये जो सामने जो दो स्विच बोर्ड देख रहे हैं और लेफ्ट राइट में डबल डबल करके, ये बेड पोजिशन के साइड में के हैं। और मैं थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये, और देखिए नीचे में फुट लैम्प है, और ऊपर में क्या बोलते हैं 6 मॉडल का बॉक्स है। तो इसमें फैन और एक लाइट का 2A कंट्रोल है, क्योंकि इस रूम में 2 लाइट और 1 फैन है रूम में। तो एक बेड पोजिशन है और एक टीवी के ऊपर है, टीवी के जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे। डियर फ्रेंड, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये स्टूडियो में शूट नहीं हो रहा है। स्टूडियो में शूट होता तो ये सारी सामान यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो 6 मॉडल का बॉक्स है वहाँ पे, 6 मॉडल का, तो इसके ऊपर एक लाइट है यहाँ पे, तो फैन और एक बेड पोजिशन का जो यहाँ वाला लाइट है, ये 2A कंट्रोल है। अक्सर मतलब हमेशा 2A कंट्रोल ही यूज होता है यहाँ पे फ्लैट्स एरिया में। तो जो 2A कनेक्शन आप जो इंस्टीट्यूट में अगर पढ़े होंगे तो वो आपको यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। और छोटे छोटे कोठियों में स्टेयर पे वो मिलता है, स्टेयर पे 2A कंट्रोल मिलेगा, बट बड़े बड़े टावर में ऐसा नहीं मिलेगा। और जहाँ जैसे जैसे यूज होता रहेगा, मैं आपको करेंट, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको करेंट अपडेट मिलने वाला है, करेंट अभी क्या चल रहा है वो मिलेगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, किस कंपनी का वायर बेस्ट होता है, किस कंपनी का स्विच, MCB, सॉकेट विद किस कंपनी का सबसे बेस्ट है, मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपना क्या बोलते हैं सुझाव दें, या मतलब कमेंट करके बताएं कि ये क्या, मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, क्या है नहीं है, ठीक है।
अब जैसे ये जो वायर है, तो अभी जो लोग जो है जो वर्क करते हैं तो उनको अगर ड्राइंग दे दिया जाए ना, तो ड्राइंग देख के वो जान जाएंगे कि ये कौन कौन सा क्या वर्क है, मतलब कौन कौन सा वायर है। जैसे ये लाइटिंग के सर्किट में 2.5 के यूज हो रहा है सर्किट, और इसमें कॉमन, जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें दो लाइट और एक फैन है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये चार वायर दो टूए के लिए कितना है, थोड़ा इधर करके देखो, ये चार वायर ये दो टूए स्विच के लिए है, और उसके बाद ये रेड वाला जो दो वायर है ये लाइटिंग के लिए है, और इसके बाद ये एक ब्लू कलर का जो वायर है ये है फैन के लिए। तो टोटल यहाँ पे कितने वायर हो गए, ये नहीं दिख रहा है क्या, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा उसको ऊपर करता है, दीवार में पूरा सटा दिया, अब समझ में आएगा। ये देखिए टोटल वायर हो गए इधर के राइट साइड में ये लाइटियों की है, और लेफ्ट साइड में टूए दो टूए है उसका है, और बाकी ये सब सर्किट के जंप सर्किट के वायर है। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड, अपना कमेंट करके अपना राय सुझाव जरूर दें, बहुत बड़ा साइड है, बहुत बड़ा साइड है, बहुत कुछ आपको लोगों को सीखने को मिलने वाला है। अभी तो नेक्स्ट साइड, अभी हैंड ओवर जो हुआ है, मैं जो पहला वीडियो बनाया था उस समय हमको उतना वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ आता ही नहीं था, थोड़ा सा अभी सीख लिया हूँ। ये जो सामने वाला बिल्डिंग है, यहाँ पे ऐसा 6 बिल्डिंग है, 6, ठीक है, मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये ब्लॉक है, ये सामने वाला एफ ब्लॉक है, एफ, ठीक है। तो बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिलने वाला है, बस जैसे जैसे क्या बोलते हैं, कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक, ये एक मोटिवेशन है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।